कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आक्रोश कम करने की पहल केंद्र सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने MSP को 1.5 गुना किया, 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है, 10,000 FPO बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की, काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं, हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश और एक बार फिर से बातचीत की पेशकश। कृषि बिल को लेकर बहरहाल किसानों ने आज जबरदस्त अंदाज में हल्ला बोल दिया है। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के दौरान अंबाला में हाईवे पर हरियाणा पुलिस से किसानों की तगड़ी भिड़ंत हो गई। पुलिस की बैरिकेड नाकाम हो गए, आंसू गैस के गोले चले, लाठियां चली। बड़ी जद्दोजहद के बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। छह तस्वीरें किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। एक ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो शंभू बॉर्डर की है, रास्ता गुड़गांव की तरफ से भी है, रास्ता फरीदाबाद की तरफ से भी है। सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन कुणाल जहां पर आप खड़े हैं वहां की तस्वीर दिखाइए और बताइए कि अभी किसानों का रुख क्या है वहां पर। नवजोत, यहां पर अभी किसान पहुंचे नहीं है, लेकिन जो आशंका है पुलिस को कि कभी भी यहां पर किसान आ सकते हैं, इसीलिए जो बंदोबस्त है वो बहुत पुख्ता किए गए हैं। जहां तक पुलिस का हम दिखाएं कि किस तरीके से पूरी तरह से अर्धसैनिक बल यहां तैनात है और सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को यहां से तभी क्रॉस करने दिया जा रहा है जब पूरी तरह से जांच कर दी जा रही है। साथ ही साथ जो मेट्रो सेवा है जो कि 2 बजे तक स्थगित की गई थी, तमाम जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वहां से दिल्ली की तरफ आने वाले लोगों के लिए, उसको अभी और भी ज्यादा डिले कर दिया गया है। 2 बजे के बाद भी वो रिस्ट्रिक्शन चालू रहेंगे। इस बीच में लोगों को पैदल यहां से निकलना पड़ रहा है, लोगों के लिए बहुत सारी परेशानी है। हम आपको सड़क के दूसरी तरफ दिखाएं कि लोगों को पैदल अपने सामानों के साथ यहां से निकलना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पर रोक टोक जारी है। तो ये एक मुश्किल है क्योंकि किसानों ने रुख किया है दिल्ली की तरफ का, इसीलिए दिल्ली की बॉर्डर पर ये जो तैनाती दिखाई पड़ रही है, ये जो मुस्तैदी दिखाई पड़ रही है पुलिस की तरफ से, वो लोगों की मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। बिल्कुल, आम जनता यकीनन परेशान हो रही है और तस्वीरें कुमार कुणाल हमें वहां से दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाएंगे वो जो कि पंजाब शंभू बॉर्डर के जरिए एंट्रेंस होती है हरियाणा की तरफ, यानी कि वो बॉर्डर जहां पर पंजाब की सीमा खत्म होती है, हरियाणा की शुरू होती है, अंबाला का वो इलाका। वहां से सत्येन चौहान की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब से आए किसानों का काफिला बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन अब अंबाला में सरकार ने योजना बनाई है कि किसानों को यहां पर रोका जाएगा और यहां पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है। सिंपली पुलिस ने ट्रैफिक जो चल रहा था चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था उस ट्रैफिक को यहां पर रोक दिया है और आप देख सकते हैं यहां पर वाहनों की लंबी लाइन
लंबी कतार यहां पर लग गई है ताकि ये वाहन यहां पर रुक जाएंगे तो आगे किसान ना बढ़ सके, इसके लिए यहां पर ट्रैफिक को रोका गया है। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपकी भी गाड़ी है यहां पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर से होगी आपको? सर यहाँ 3 घंटे हो गया जी, कोई भुखण बाने सबेर के रोटी नहीं पानी कुछ नहीं, यहाँ से परेशान करके जी बहुत ज्यादा। कुछ कहा है क्यों रोका गया आपको? वो कहते 10-15 मिनट में आधे घंटे में छोड़ देंगे जी, सुबह से कहते आ रहे हैं जी, अब तक छोड़ा नहीं। और आपको वापस भी नहीं जाने दे रहे? वापस भी नहीं जाने दे रहे, हम गाड़ी निकाल रहे थे, वापस भी नहीं जाने दे रहे हमारे को जी। तो पुलिस ने इन किसानों को रोकने के लिए, आप ये देखिए तकरीबन ये किलोमीटर हो गया है, अब किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगवा दिया है ताकि किसान यहाँ पर रुक जाएं, और हो सकता है ये प्लान भी हो कि आगे किसानों को रोकना है तब तक फोर्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाए, लेकिन अम्बाला में ट्रैफिक को रोककर किसानों को रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, अम्बाला आज तक। फरीदाबाद, शंभू और अब तीसरे बॉर्डर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वो है गुरुग्राम का बॉर्डर, वहां से भी किस तरीके से कोशिश हो रही है, तैयारियां वहां पर क्या हैं, संजय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 26 नवंबर संविधान दिवस को किसानों ने अपने विरोध के लिए इस दिन को चुना है, और फार्मर्स बिल यानी कृषि बिल जो अब कानून बन चुका है उसके मुखालफत करने किसान दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, सुबह से यहाँ ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान नफरी लगी है वहां, जहां जहां इन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं या यहां पर ये टोल प्लाजा है, यहां हर एक गाड़ी को, हर एक ट्रक को, हर एक बस को चेक जांच करके भेजा जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कम से कम दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच जोरदार झड़प हुई है, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं, इसके साथ ही वाटर कैनन से पानी की फुहार छोड़ी गई है, लेकिन क्रोधित और आक्रोशित किसानों ने पुलिस के बैरिकेड इधर उधर डाल दिए हैं, नदी में डाल दिए हैं बैरिकेड, और इसके साथ ही वहां काफी उग्र हो गया है आंदोलन। लेकिन जहां तक दिल्ली हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बात है, बैरिकेडिंग तो लगी है, ट्रैफिक धीरे जरूर चल रहा है, लेकिन किसान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि वो रोजमर्रा के अपने काम जो खेती और उनके जानवरों के से संबंधित हैं उसकी सार संभाल करने के बाद वो 12-1 बजे तक अपने घर से निकलेंगे, लेकिन घर से निकलना, गांव की सरहद पार करना, रास्ते में पड़ने वाले बाजारों और कस्बों को पार करना और फिर यहां हरियाणा बॉर्डर तक आना, जगह जगह धारा 144 के साथ साथ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और ऐसे एहतियाती इंतजाम कर रखे हैं कि ताकि किसान यहां दिल्ली तक ना आ पाए। लेकिन अब तो डाल डाल में पात पात की तरह किसान भी कम नहीं है, वो गांव के खेतों के रास्ते से यहां आने को बिल्कुल ऐसा अड़े बैठे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, इसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े। हालांकि किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर हुआ है उसे देखकर तो नहीं लगता कि मामला शांतिपूर्ण रहने वाला है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, गुड़गांव आज तक। कुमार कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुणाल, इस बीच देखिए कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने बातचीत की पेशकश की है, क्योंकि जो रास्ता है वो बातचीत के जरिए निकलेगा। इससे पहले भी 2 राउंड की बातचीत हुई थी, तब भी कोई बात बनी नहीं और किसान पहले अल्टीमेटम दे चुके थे। संजय शर्मा जहां से थे वो ये भी जानकारी दे रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इसी रास्ते से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते होंगे, और दूसरी तरफ प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती, क्योंकि जो हाल शंभू बॉर्डर पर हुआ है वो कम से कम दूसरे इलाकों में ना हो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको पता है कि किसान सिर्फ एक इलाके में नहीं है, तमाम इलाकों में है, और दिल्ली का जो बॉर्डर है वो हरियाणा से लगता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लगता है, और किसी भी रास्ते आ सकते हैं किसान, ये आशंका है पुलिस को। और इसीलिए जो तमाम एहतियातन बंदोबस्त किए गए हैं, चाहे वो मेट्रो को रोकने का बंदोबस्त हो या सड़कों के जरिए जो पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है या तमाम तरीके के जो वाहन है, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सीमेंटेड बैरिकेड है वो भी लगाया गया है, साथ ही साथ दूर में जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो खड़ी करके रखी गई हैं कि अगर यहां पर स्थिति बेकाबू होती है किसी वजह से तो वहां पर भी जो तमाम बंदोबस्त है वो कम न पड़ जाए। तो इस तरीके से पूरी एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तैयारी है वो तैयारी करके आ रहे हैं कि दिल्ली में लंबे समय तक अगर उन्हें रहना पड़े तो वो रह सकते हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि अभी कोविड भी है दिल्ली में, और इसके साथ साथ धारा 144 इसलिए भी लगाई गई है कि दिल्ली में ज्यादा दिन तक डेरा ना डाल पाए, ये एक एहतियात के तौर पर यहाँ तैयारी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बिल्कुल पुलिस को
कम से कम यहाँ परिंदा पर ना मार पाए, मेट्रो से ना निकल पाए, बसों से ना निकल पाए, बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। इसीलिए हर तरफ हर बॉर्डर पर, चाहे वो यूपी का बॉर्डर हो, हरियाणा का बॉर्डर हो, दिल्ली से कहीं से भी आप अंदर आएंगे तो आपको भयंकर चेकिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति इस समय दिखाई पड़ रही है।